हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पास देखिए एक टेस्ट बुक है इंग्लिश का, क्लास फाइव का। ये है सनशाइन, और इसमें जो अंदर जो चैप्टर दिया हुआ है ना, तो जो चैप्टर है इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। क्वेश्चन आंसर आपके सामने हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, लिखेंगे, आप देखिए और पढ़िए, बहुत अच्छा लगे। देखिए सोहराय पेंटिंग, तो सोहराय पेंटिंग का हम क्या करेंगे, इसका प्रश्न का उत्तर बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न का उत्तर, आपको दिखाएंगे कि यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर कहाँ है। तो शुरू करते हैं, तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, वेयर आर अनु एंड विशाल गोइंग। अनु और विशाल कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे, बीरू चाय बादशाह, है ना। तो देखिए इसका आंसर ढूंढेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर है, कहाँ जा रहे थे, बीरू चाय बादशाह, है ना। तो इसी का आंसर सजा के लिखेंगे, तो ये आंसर लिखते हैं, वेयर मीन्स कहाँ होता है, तो लिखेंगे अनु एंड विशाल आर गोइंग टू बीरू। बीरू कहाँ है, चाय बादशाह, चाय बादशाह लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अनु और विशाल चाय बादशाह जा रहे थे, बीरू चाय बादशाह के गांव है बीरू, वहीं जा रहे थे शादी समारोह में। और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में दूसरा देखिए, वाई आर दे गोइंग टू बीरू, वाई मीन्स होता है क्यों, मैंने वे लोग बीरू क्यों जा रहे थे, तो क्यों जा रहे थे, देखिए यहाँ आंसर देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखता है कि दे प्लान टू अटेंड द सेरेमनी एंड स्टार्ट दे जर्नी फ्रॉम रांची टू बीरू बाय बस, है ना। तो क्यों जा रहे थे, यहाँ देखिए अटेंड द मैरिज सेरेमनी, है ना, ऑफ देयर कजिन, तो मैरिज सेरेमनी में वो जा रहे थे। इसका आंसर लिखेंगे, आंसर लिखिए, देखिए आंसर लिख रहे हैं, आंसर क्या लिखेंगे कि दे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दे दे और दे के साथ क्या लगेगा, आर गोइंग, दे आर गोइंग टू बीरू, है ना, दे आर गोइंग टू बीरू, बिकॉज भी कर सकते हैं, नहीं तो दे आर गोइंग टू क्या था, अटेंड द मैरिज, मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, उसके बाद ऑफ देयर कजिन तनु, मतलब शादी समारोह में वो जा रहे थे, है ना, जो तनु थी उन्हीं का शादी था, उसी शादी समारोह में वो जा रहे थे कजिन। आइए तीसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, व्हाट आर द लेडीज डूइंग, लेडीज जो थी, महिलाएं जो थी वो क्या कर रही थी, है ना, तो क्या कर रही थी, दीवार पर पेंटिंग बना रही थी। देखिए इसका आंसर हम यहाँ आपको बुक में दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखिए, लेडीज आर पेंटिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न ऑन द वॉल्स, ये आंसर हुआ, इसको सजा लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, द, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आंसर लिखेंगे द लेडीज आर, द लेडीज आर पेंटिंग, पेंटिंग ब्यूटीफुल, पेंटिंग ब्यूटीफुल एंड पैटर्न, पैटर्न ऑन द वॉल्स, ठीक है, वो दीवालों पर क्या कर रही थी, पैटर्न बना रही थी और कलरफुल ब्यूटीफुल सुंदर तस्वीर बना रही थी, पैटर्न्स कर दीजिए, ये आपका कॉमन नहीं होगा, एस है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब बनाते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन सोहराय पेंटिंग, कौन ने क्या मटेरियल, मटेरियल ने कौन से मटेरियल है सोहराय पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है, तो देखिए जवाब देखिए, जवाब देखिए यहाँ देखेंगे, वी यूज द सोयल ऑफ डिफरेंस कलर्स लाइक रेड सोयल, ब्लैक सोयल एंड मैनी, है ना, कलर्स, और काउ डंग, गाय की गोबर, कोयला पाउडर, पत्तियों की पाउडर, ये सब क्या किया जाता है सोहराय में पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये आंसर लिखते हैं, देखिए एकदम बहुत सुंदर आंसर में लिखिए आप, तो लिखेंगे व्हाट, क्या के जगह पर लिखेंगे, है ना, द सोयल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द स्वेल्स, देखिए यहाँ, है ना, द स्वेल्स, है ना, ऑफ डिफरेंट, ये लिखेंगे द स्वेल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक द स्वेल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक रेड कलर्स, देखिए जो बुक में है वही लिख रहे हैं, रेड स्वेल, रेड स्वेल, ब्लैक स्वेल, ऑफ डंग, गाय गोबर, कोयल, कोयला एंड पाउडर लीव्स,
आर क्वेश्चन देखिए, आर यूज्ड इन सोहराय पेंटिंग, ये आंसर हो गया चौथा का। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये पहला हो गया, पहला कंप्लीट हो गया, अब बनाते हैं दूसरा बी। बी में क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। देखिए ये बॉक्स में दिया हुआ है, इस सभी को यहाँ भरना है, कौन सा सुटेबल किसके साथ करेगा। देखिए अनु एंड विशाल आर गोइंग टू अटेंड, ये अनु और विशाल कहाँ जा रहे थे, क्या शामिल होने जा रहे थे, कहाँ पे है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैरिज सेरेमनी मतलब शादी समारोह में शामिल होना जा रहे थे, तो यहाँ लिखेंगे मैरिज, मैरिज देखिए मैरिज यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं ये नंबर वन, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोहराय पेंटिंग और ड्रॉन ड्यूरिंग, सोहराय पेंटिंग जो है वो किस अवसर पर होता है, तो हार्वेस्ट जब फसल पैदा हो जाता है तो यहाँ देखेंगे इसका, यहाँ ढूंढना चाहेंगे तो आपको बता देंगे हम कि किस अवसर पर होता है। पहला में था देखिए मैरिज सेरेमनी है ना, देखिए अटेंड द मैरिज सेरेमनी, ठीक है। और इसके बाद दूसरा बता दे रहे हैं, दूसरा में यहाँ देखिए क्या है, हार्वेस्ट देख रहे हैं यहाँ पे, हार्वेस्ट है ना, दिवाली, दिवाली भी हो सकता है लेकिन दिवाली वहाँ नहीं है, यहाँ हार्वेस्ट हो जाएगा। और तीसरा में हो जाएगा स्वैल्स हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा पाउडर्ड लिप्स। तो यहाँ पर देखिए ढूंढिए और बनाइए, एकदम आसान है। तो दूसरा में क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा में हार्वेस्ट, हार्वेस्ट ये है। उसके बाद तीसरा में देखिए इज ऑल्सो यूज इन दिस पेंटिंग, नहीं इस पेंटिंग के साथ और क्या यूज किया जाता है, तो पाउडर लिप्स, ऐसे कोयला भी यूज़ किया जाता है, गाय का गोबर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पाउडर लिप्स। देखिए तीसरा में यहाँ लिखेंगे यहाँ पर पाउडर, पाउडर लिप्स, तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आप एक यहाँ देखिए तीसरा हो जाएगा है ना, ये भराएगा। उसका चौथा देखिए, दे डू नॉट यूज खालिस्तान कलर्स, नहीं क्या कौन कलर नहीं किया जाता है उपयोग में, तो चौथा में क्या हो जाएगा, चौथा में आर्टिफिशियल, चौथा में हो जाएगा आर्टिफिशियल, दे डू नॉट यूज आर्टिफिशियल कलर्स है ना, तो यहाँ जाएगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब आर्टिफिशियल कलर का प्रयोग नहीं किया जाता है, रेड मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, लाल और रेड एक ही हुआ। दे यूज ब्लैंक्स ऑफ डिफरेंस कलर, था इसमें से कौन क्या बच गया, पहला सोयल, मैंने जो उन लोग यूज करते हैं डिफरेंट कलर का वो क्या होता है, मिट्टी होती है, तो यहाँ लिखेंगे सोयल्स, ठीक। एक ए फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया है ना, अब देखते हैं इसको मिलाते हैं, इसको यहाँ देखिए सी में, सी में क्या करा है, मैच द फॉलोइंग है ना, सी में मैच द फॉलोइंग, तो आपको भरना है, तो फॉलोइंग कैसे देखिए, यहाँ मैच कीजिए अनु एंड विशाल, अनु और विशाल, इसमें से किसके साथ मैच होगा, दे नॉट यूज इन सोहराय पेंटिंग, यह सोहराय पेंटिंग यूज नहीं होता है, नहीं, तो यहाँ सेट क्या किसके साथ होगा, आर गोइंग टू देयर आंटीज विलेज, मतलब अनु और विशाल है अपनी मौसी के गांव जा रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा ये आपका, ये जो है इसके साथ होगा, तो इसके साथ मिलान कर दीजिए, नहीं तो आप कॉपी में लिखेंगे कैसे, इसको लिख के और फिर यहाँ डैश दीजिए और फिर इसको आप लिख दीजिए है ना, आप बुक में मिला दे रहे हैं, आप कॉपी बढ़िया से लिखिएगा। सम लेडीज, कुछ महिलाएँ, तो महिलाएँ क्या कर रही थी, दीवार पर कलरफुल सुंदर ब्यूटीफुल चित्र बना रही थी है ना, पेंटर्न वाह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा में आर्ट ड्रॉइंग एंड पेंटिंग, तो ये हो जाएगा ठीक। अब तीसरा देखिए आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स क्या है ना, और नहीं तो क्या है देखेंगे, सी में देखिए आर नॉट यूज्ड इन सोहराय पेंटिंग, आर्टिफिशियल जो कलर्स है वो सोहराय पेंटिंग में प्रयोग नहीं किया जाता है, सोहराय पेंटिंग में लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पत्तियां का पाउडर, गाय के गोबर, कोयला, ये सब प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अंग्स क्या, अंग गर्ल्स लर्न, मैंने जो युवतियाँ होती है वो सीखी, किससे सीखी, दिस पेंटिंग फ्रॉम देयर मदर्स, मैंने जो पेंटिंग सीखी अपनी माँ से सीखी है ना, तो ये हो जाएगा, इसका समझ कर देंगे। और जो ये लास्ट बचा अनु टेक्स स्नैप, जो तस्वीर ली अनु टू सो हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब आइए अब क्या बनाना है, अब बनाएंगे हम लोग यहाँ देखिए थिंग्स एंड राइट, सोचिए और लिखिए, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, जो यहाँ पर दिया हुआ है वो होचपोच है, हचपच इधर से उधर रिरेंज हमको करना है, सजा के लिखना है, और जिससे एकदम मीनिंगफुल आपका बने वर्ड्स। देख ये क्या चाहिए, आप पीछे पढ़ेंगे ओकेशन, क्या ये है ओकेशन, तो ओकेशन यहाँ ढूंढिए है ना, ओकेशन ये लिखा हुआ है, इसको सजा लिखेंगे, तो पहले ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ओ दिया हुआ, ओ उसके बाद क्या होगा डबल सी, उसके बाद ये
उसके बाद डबल एस हो जा रहा है ना, उसके बाद आई, उसके बाद एन, उसके बाद एस, ओके सन्स है ना। अब इसको बोलेंगे कहाँ है तो आप ढूंढ सकते हैं बुक में। चलिए आपको एक बताते हैं, देखिए शादी समारोह में वो क्या हो रहे थे, उन लोग गए थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओकेशन, ये देखिए मिला, यहाँ देखिए मिल गया यहाँ पे है ना, तो इसी को सजा के वहाँ पर लिखना था। ठीक आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट इसको देख लीजिए, डिफरेंट है ना, यही है। तो यहाँ ढूंढिए, देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है ये डिफरेंट लिखा हुआ है। डिफरेंट का स्पेलिंग क्या होता है, डी से स्टार्ट होता है तो डी है, उसके बाद आई हो जाएगा कैपिटल सब, इसलिए कैपिटल में ही लिख रहे हैं डी आई, उसके बाद डबल एफ होता है, उसके बाद ई होता है, उसके बाद डिफरेंट आर होगा, उसके बाद ई हो जाएगा एन टी डिफरेंट। देखिए डी आई डबल एफ है ना, ई आर फिर ई एन टी डिफरेंट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसका है अंदाजा लगाइए, पाउडर, तो क्या पी से स्टार्ट है तो इसलिए पाउडर पी पाउडर है ना, तो क्या हो जाएगा पी ओ डी ई आर फिर है ई डी पाउडर। ठीक है ये बुक में है, पाउडर ढूंढ सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, यहाँ देखिए मिला, यही है। आगे देखिए आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर इसको भरिए, ये क्या सोहरा है, एस ओ चैप्टर पढ़े हम लोग सोहरा, सोहरा एस ओ आर ए आई सोहरा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल, ये से स्टार्ट है ए आर टी आर टी एफ आई सी आई ए एल, ढूंढिए यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये क्या है आर्टिफिशियल, तो रिरेंज करना था है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन देख, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फ्लोविंग, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो ऐसा वर्ड को ढूंढना है जो एक सेंटेंस को पूरा करता है, चाहे एक स्टोरी को बताता है ना, फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फ्लोविंग। तो देखिए क्या कहता है, ये थिंग्स दैट इज मेड बाई मैन, नहीं वह वस्तु जो आदमी के द्वारा बनाया गया है ना, वह वस्तु जो आदमी द्वारा बनाया गया है, नोट बाई नेचर, वह प्रकृति ने नहीं बनाया, उसे प्रकृति नहीं बनाया, उसे क्या कहते हैं, कौन सा वस्तु आदमी ने बनाया है और प्रकृति ने नहीं बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं बताइए, बोलेंगे आर्टिफिशियल, यहाँ लिख दीजिए आर्टिफिशियल, ए आर टी आर्टिफिशियल फिशियल है ना, मतलब समझे, नहीं वह आदमी ने बनाया, जो आदमी ने बनाता है उसको क्या बोलता है आर्टिफिशियल। देखिए ये पेंसिल देख रहे हैं, ये पेंसिल है तो पेंसिल कौन बनाया, आदमी बनाया, इसको आर्टिफिशियल बोलेंगे, नेचर नहीं बनाया, उन्हें प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति ने इसे नहीं बनाया है। ठीक है समझ गए। अब देखिए दूसरा देखिए, ए पीरियड वेन रैप रैप में होता पकना, मैंने वह पीरियड मैंने या वह अवधि मैंने समय, वेन रैप क्रॉप्स अनाज होता है, मैंने जब फसल पक जाता है, अनाज पक जाता है और कट और काटा भी जाता है, जब कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टर में जमा किया जाता है, तो वैसे समय है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हार्वेस्ट, क्या बोलते हैं हार्वेस्ट। ठीक है एच ए आर वी ई एस टी हार्वेस्ट हो गया। अब आगे देखिए सिरेमनी वेन ब्राइड एंड ग्रूम आर मैरिड, मतलब सिरेमनी एक फंक्शन है जिसमें से दूल्हा दुल्हन की शादी होता है, तो वैसे उसको क्या बोलते हैं मैरिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैरिज, तो मैरिज हो गया। फोटोग्राफ्स टेक्स बाय ए कैमरा और ये मोबाइल फ़ोन, उन्हें कैमरा के द्वारा फोटो लिया जाता है, फोटोग्राफ लिया जाता है, चाहे फिर तो मोबाइल के द्वारा लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं स्नैप, बुक में पढ़े ना स्नैप। ये हो गया कंप्लीट। अब आगे आइए, आगे देखिए रीड एंड से पढ़िए और कहिए, यहाँ देखिए रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड से ए सेंटेंस फ्रॉम ईच वर्ड्स, मतलब जो जो नीचे दिया जा रहा है वर्ड्स उसको क्या करना है रीड पढ़ना है ना, और बोलिए ए से ए सेंटेंस फ्रॉम ईच वर्ड, मतलब प्रत्येक से एक हमको सेंटेंस बनाना है ना, सेंटेंस बनाना है नेचुरल, क्या है नेचुरल, नेचुरल मीन्स क्या होता है प्राकृतिक, इसको क्या करना है नेचुरल सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस बनाइए नेचुरल, नेचुरल मीन्स क्या होता है प्राकृतिक। देखिए यहाँ पर हम सेंटेंस बनाते हैं आपके सामने प्राकृतिक, तो क्या बोल सकते हैं प्राकृतिक क्या है, नदी है रिवर माउंटेन पहाड़ ये सब प्राकृतिक चीज़ है ना, तो लिख सकते हैं द रिवर है ना, द रिवर इज नेचुरल। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है डिजाइन, डिजाइन में क्या होता है रूपरेखा, तस्वीर बनाने से पहले कोई चीज बनाने से पहले डिजाइन किया जाता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सेंटेंस बनाना है तो ही टेक्स है ना, चाहे मैक्स ही मैक्स ए डिजाइन ऑफ हाउस, चलिए वह जो है घर का
डिजाइन बनाता है, मेक सेंस बनाना होता है। अब देखिए यहाँ पर ब्रूम, ब्रूम इसका होता है झाड़ू, ब्रूम इसका होगा झाड़ू। तो झाड़ू से क्या होता है, घर की सफाई होता है। तो लिख सकते हैं वह जो है सो घर की सफाई ब्रूम मतलब झाड़ू की सहायता से घर की सफाई करती है। तो लिखेंगे सी, सी है ना, सी स्वीप्स, सी स्वीप्स द रूम है ना, द स्वीप्स द रूम विथ ये रूम। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए स्वेल है ना, स्वेल, स्वेल मीन्स क्या होता है, मिट्टी। तो मिट्टी, मिट्टी क्या बोल सकते हैं, मिट्टी तो बहुत सेंटेंस बना सकते हैं है ना। जैसे मिट्टी जो पौधे के लिए प्राण है, मिट्टी नहीं रहेगा तो पौधा उगेगा ही नहीं। तो लिख सकते हैं स्वेल, स्वेल इज यूजफुल ऑफ प्लांट्स। हम सैंपल बता रहे हैं, इस तरह से और भी अपने मन से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए अगला देखिए सेरेमोनी है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, ईट वाज कुछ भी लिख दीजिए, लिखिए ईट वाज ए ब्यूटीफुल वेडिंग सेरेमोनी। अब आगे देखिए पेंटिंग, यहाँ क्या है पेंटिंग, तो पेंटिंग क्या बनाइए है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे पेंटिंग, तो कुछ भी लिखिए, सी इज पेंटिंग आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम, जिसे आदमी ने बनाया है ना। तो लिख देंगे एक मान लें पौधा हम रखे हैं प्लास्टिक का पौधा, तो लिख देंगे इट इज ए आर्टिफिशियल प्लांट। ठीक है, घर में फूल रखते हैं ना, पौधा जो सौभाग्य के लिए होता है। ये इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखिए आगे देखेंगे यहाँ पे लास्ट कर रहे हैं, देखिए आगे देखिए मैच द सेम मीनिंगफुल सैनोनिज वर्ड्स। सैनोनिज वर्ड मीन्स क्या होता है, समानार्थी शब्द, मतलब दोनों का अर्थ समान है, इधर की अर्थ भी समान है, इधर के अर्थ भी समान है। तो आपको समझना है ब्यूटीफुल, ब्यूटी मीन्स क्या होता है, सुंदर। तो क्या होगा प्रेटी, प्रेटी में भी सुंदर होता है, तो ये इसके साथ हो जाएगा। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होता है, कृत्रिम, मनुष्य द्वारा। अननेचुरल, अननेचुरल मतलब जिसे प्राकृतिक नहीं कहेंगे, जो प्रकृति नहीं बनाया, तो अननेचुरल यही हो जाएगा। हैप्पी मतलब खुश, तो जो है फुल हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना। और ये क्रियस, तो ये हो जाएगा ईगर। चलिए हो गया कंप्लीट। अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए समय, अब है समय बताना है, सी द पिक्चर्स ऑफ द क्लॉक एंड राइट द टाइम यूजिंग इट। देखिए घड़ी में समय दिया गया, आपको लिखना है, जैसे यहाँ क्या बज रहा है, 7 बज रहा है, मिनट का सुई 12 पर है और घंटा का सुई 7 पर है, तो 7 बज रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे इट इज 7 o'clock। दूसरी तरह से इस पर कितना बज रहा है, घंटा का सुई 8 पर और मिनट का सुई 12 पर, तो कहा 8 बज रहा है। तो लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे इट इज 8 o'clock। अब अच्छा लिखेंगे दूर में, ये कितना बज रहा है, 10 हो रहा है, तो लिखेंगे इट इज 10 o'clock। ठीक है, उसी तरह से कितना बज रहा है, यहाँ पे देखिए 6 बज रहा है, 6, तो लिखेंगे इट इज 6 o'clock। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 4 बज रहा है, तो लिखेंगे इट इज 4 o'clock। उसका कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, तो लिखेंगे इट इज 12 o'clock है ना, ऑफ नहीं होगा, इट इज 12 o'clock। इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए इसको देखना है, अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस है ना। अरेंज, अरेंज करना है, ये आपको इधर उधर है आपको सजा के लिखना है। तो कोई भी सेंटेंस शुरुआत करने का जो है इट से शुरू होगा, इट, जैसे जब इसमें इट है तो इट होगा, तो क्या होगा, इट इज ये क्लाउडी, क्लाउडी डे है ना। लिखेंगे इट इज ए क्लाउडी डे, हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इट है, इट इज, इट इज है ना, इट इज, उसके बाद 9 PM। नौ भी पहले लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं, तो पहले नौ लिख देते हैं, नौ, देखिए यहाँ काट दिए, नौ इट इज है ना, नौ इट इज, नौ इट इज 9 PM, नाइन पी एम। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे इट इज हेवली रेनिंग टुडे, यहाँ लिखेंगे इट इज
हैवली रेनिंग टूडे, डी है। देखिए पहले लिखेंगे इट इज हैवली रेनिंग टूडे, उसी तरह से इसको लिखेंगे तो इट इज नॉट माई मिस्टेक, लिखेंगे इट इज नॉट माई मिस्टेक। योर इज इट पेंसिल, इट इज योर पेंसिल बॉक्स ना क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क में क्या लिखेंगे पहले इज पहले हो जाएगा, तो इज इज है ये आई एस इज है ना, इज इट योर पेंसिल बॉक्स क्वेश्चन मार्क, क्या या क्या तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है, इट इज योर पेंसिल बॉक्स, क्या यह तुम्हारा पेंसिल बॉक्स है, इज इज इट होगा ये इट है, ठीक है। इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।